हेलो फ्रेंड, आप सभी को प्रेम सम्प्लेंट पर स्वागत है और मेरा नाम है प्रेम। आज आप सभी के सामने मैं ये बेहतरीन सा डिज़ाइन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो आप स्क्रीन पर आज जो डिज़ाइन देख रहे हैं, ये आज का हमारा टॉपिक, जिसका साइज़ मैंने लिया हुआ है 23x39 फीट का। यानी इसका घर जो आप देख रहे होंगे साइड की ओर, सामने की ओर जो इसका चौड़ाई आएगा वो 39 फीट का आएगा, और ऐसे लंबाई में ये घर आएगा 23 फीट। 23x39 फीट के प्लॉट के ऊपर मैंने ये डिज़ाइन किया हुआ है। जो डिज़ाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैंने बिजनेस पर्पज़ के लिए भी किया हुआ है। यानी इसके ग्राउंड फ्लोर में जो आप शॉप देख रहे हैं, शॉप आप रेंट पर देना चाहें तो भी पाएंगे, और आप खुद भी करना चाहें तो भी कर पाएंगे। ये इस घर का ग्राउंड फ्लोर में मैंने शॉप का डिज़ाइन किया हुआ है। 3 शॉप आपको मिलेगा ग्राउंड फ्लोर में, साइड में कार पार्किंग भी मिलेगा, और फर्स्ट फ्लोर में आप देख लीजिए एक छोटा सा बैल्कनी भी दिया हुआ है, और टॉप में आप देख लीजिए सेकेंड फ्लोर में एक काफ़ी बड़ा सा स्पेस बैल्कनी टाइप का दिया हुआ है, और टॉप में मैंने कोई स्टेयर नहीं किया हुआ है, आप चाहे तो स्टेयर लगा पाएंगे। ये है हमारा आज का डिज़ाइन। तो चलिए हम इस डिज़ाइन के ऊपर बात शुरू कर लेते हैं, यानी इसके साइज़ के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम जाने से पहले आप सभी व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल प्रेमेस होम प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और साथ में जो नोटिस के बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर दीजिए। इसमें ये होगा कि मैं कोई डिज़ाइन रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ और उसका नोटिस आपको मिल जाए। तो चलिए हम आज के टॉपिक शुरू कर लेते। आप देख रहे होंगे ये घर, इसका ग्राउंड फ्लोर का व्यू कुछ इस तरीके का आएगा। यानी आप यहाँ से आएंगे, इस जगह पर आपका कार पार्किंग रहेगा, और यहाँ पर 3 आप शॉप देख रहे होंगे। शॉप का डिज़ाइन मैंने किया हुआ है कुछ इस तरीके का, और आप देख लीजिए यहाँ पर जो शॉप देख रहा है शॉप नंबर 3, ये शॉप का साइज़ मैंने लिया हुआ है 14x10 फीट के अंदर। और यहाँ पर जो शॉप देख रहा है शॉप 1, इसका साइज़ मैंने लिया हुआ है 14x11 फीट के अंदर। और शॉप 2 का जो साइज़ है उसका साइज़ मैंने लिया हुआ है 13x14 फीट का, और ये 11 फीट चौड़ाई में ये कार पार्किंग आ जाएगा। 11x23 फीट का ये कार पार्किंग एरिया, और इसी कार पार्किंग यहाँ पर आप कार पार्क करने के बाद ग्राउंड फ्लोर में आप यहाँ से इस साइड की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक गैलरी टाइप का आ जाएगा 7x6 फीट का, और यहाँ पर से 7x8 फीट के अंदर आपको स्टेयर मैंने दिया हुआ है। ये स्टेयर से होते हुए आप ऊपर की ओर जाएंगे तो आप पहुँचेंगे इस घर के फर्स्ट फ्लोर में। अभी आपका ये घर यानी नीचे आपने दुकान के लिए जो स्पेस किया था, रूम प्लान किया था, दुकान आपने रेंट पर दे दिया, और फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर में आप खुद के घर रहना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पाएंगे। तो यहाँ पर आप आएंगे, देख लीजिए ये वाला स्टेयर से आने के बाद आपके सामने ये फर्स्ट फ्लोर में आप आने के बाद ये 4x7 फीट का एक गैलरी टाइप का आ जाएगा। 7x8 फीट का स्टेयर है, 4x8 फीट का आपके सामने ये गैलरी टाइप का आ जाएगा। यहाँ से आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये डोर रहेगा, मेन एंट्री डोर। इस डोर से एंट्री करके आप आ जाएंगे यहाँ पर तो आपके सामने ये हॉल रूम रहेगा, जिसका साइज़ है 14x11 फीट का हॉल रूम। और इस साइड की ओर देख लीजिए, इसी हॉल रूम से इस साइड की ओर मैंने एक डोर दिया हुआ है, जिस डोर से आप एंट्री करके जाएंगे तो आप पहुँचेंगे ये वाला बेडरूम में। यहाँ पर एक मैंने बेडरूम डिज़ाइन किया हुआ है जिसका साइज़ है 14x13 फीट के अंदर। उसी के अंदर मैंने 4x6 फीट का एक वाशरूम छोटा सा उसी बेडरूम के अंदर सेट किया हुआ है। आप देख लीजिए यहाँ पर ये डिज़ाइन, और जो हॉल रूम आप देख रहे हैं, हॉल रूम से इस साइड की ओर और एक डोर देखेगा जो ग्लास डोर है। यहाँ से आप एंट्री करके जाएंगे तो आप पहुँचेंगे इस घर के किचन में। किचन ठीक मैंने शॉप नंबर 1 के ऊपर किया हुआ है फर्स्ट आगे की ओर, और वेंटिलेशन भी मिले इसलिए मैंने यहाँ पर विंडो भी दिया हुआ है। ये आपका किचन रहेगा 8x14 फीट के अंदर यहाँ पर। और इस साइड के हॉल रूम के इस साइड से देख लीजिए, यानी इस साइड की ओर से आप आएंगे तो आगे की ओर मैंने किचन के साइड में एक छोटा सा बैल्कनी डिज़ाइन किया हुआ है जिसका साइज़ है 14x5 फीट के अंदर। छोटा सा ये बैल्कनी सामने की ओर मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। और इस साइड की ओर देख लीजिए, जो हॉल रूम में इस साइड की ओर छोटा सा गैलरी टाइप का पैसेज टाइप का निकलेगा स्पेस, जिसका साइज़ है 4x4 का। और उसी में मैंने इस साइड की ओर 6x7 फीट का एक छोटा सा स्टेयर भी सेट किया हुआ है, क्योंकि जो फर्स्ट फ्लोर में स्टेयर था वो स्टेयर से होते हुए आप ऊपर की ओर आएंगे तो आपको घर में कोई भी आ सकता है, और इसी से आप फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर में कोई भी जा पाएगा। इसलिए मैंने ये जो सीढ़ी स्टेयर है फर्स्ट फ्लोर में आने के बाद, फर्स्ट फ्लोर के जो रूम प्लानिंग था और रूम के साइड से अंदर से मैंने स्टेयर दिया हुआ है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ये आपका खुद का घर रहेगा पर्सनल के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर इस साइड की ओर स्टेयर दिया हुआ है। स्टेयर का जो साइज़ है 6x7 फीट का है, और स्टेयर के इसी साइड से आप देख लीजिए यहाँ से एक डोर मिलेगा, इस डोर से आप एंट्री करके जाएंगे तो ये वाला वाशरूम में पहुँचेंगे जो हॉल रूम के साथ कनेक्टिंग में रहेगा, और इसी बेडरूम के साथ भी आप यूज़ कर पाएंगे ये वाशरूम, जिसका साइज़ है 7x11 फीट का। काफ़ी बड़ा सा एक वाशरूम मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है। और सामने की ओर जो बेडरूम देख रहे होंगे, ये वाला बेडरूम का साइज़ मैंने लिया हुआ है 10x12 फीट के अंदर, ये वाला बेडरूम का साइज। तो ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर का डिज़ाइन। और आपको मैंने यहाँ पर देख लीजिए किचन जो था यहाँ पर मैंने 2 फीट छोड़ा हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का डिज़ाइन हो गया, और अब अभी हम चलते हैं इसके टॉप में।
इसके टॉप में हम पहुंचेंगे इस जगह पे। देख लीजिए आप यहाँ पर आएंगे तो आपके सामने ये एक बेडरूम आएगा, यहाँ पर एक बेडरूम, इसी बेडरूम के साथ अटैच में ये एक वाशरूम आएगा और ये बेडरूम के साथ अटैच में ये वाशरूम। तो ये हमारा टॉप का डिज़ाइन और इसका बैलकनी आप देख लीजिए ऊपर टॉप में कुछ इस तरीके का मैंने ओपन एरिया रखा हुआ है और इसका टॉप का व्यू कुछ इस तरीके का है। ये हमारा डिज़ाइन कैसा हुआ कमेंट में ज़रूर बताना और आपको ये प्लेन बनवाना चाहते तो भी वो भी कह पाएंगे कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। आपका आभारी रहेगा प्रेमेश प्लेन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की ओर फिर से मिलेंगे नए डिज़ाइन नए प्लान के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेमेश प्लेन।